आजा मेरे बालमा, तेरा इंतजार है। शायर जो है वो इंतजार पे बड़ा एम्फेसाइज कर रहा है। मतलब क्या? क्योंकि ये रेस्टोरेंट खरीद लिया है। खरीदा? किसने खरीदा? ये रेस्टोरेंट किसने खरीदा? ये रेस्टोरेंट खरीदा है शाहरुख अमीन ने। ये रहे। ये कैसे नामुमकिन है? ये हो ही नहीं सकता। बताएं भाई कैसे मुमकिन? अरे जूते देख कितने अच्छे पहने। हाँ, नाइस शाइनी। नाइस शूज मैन। उतार सर। नौकरी प्यारी है कि जूते? उतार उसको। उतार जल्दी 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 जल्दी, टाइम है हमारे पास। आप यहाँ अच्छा जूते उतारोगे? सर ये क्या हो क्या रहा है सर? बहन उन्हें। सर मैं ये बहन किसी मेहनती इंसान के जूते पहन के कैसा लग रहा है? वो कहावत तो सुनी होगी, स्टेपिंग इन टू समवन एल्सेस शूज। तरक्की हो गई तुम्हारी, तू मैनेजर से क्लीनर बन गया। कंग्रेचुलेशंस। और ये आपके दे दो। सर ये सब क्या हो रहा है सर? इधर सर। मैनेजर से डायरेक्ट क्लीनर। प्लीज सर मुझे नौकरी से मत निकालें। मेरी सर मेरी यकीन माने, अगले हफ्ते मेरी शादी है सर। मेरी मेरी माँ ने कमेटियाँ डालेंगी। अभी हॉल की भी बुकिंग सर रहती है सर। अच्छा शादी है? तो मुंह दिखाई में तोहफा देना तो बनता है ना। वो वाला। हाँ मैंने कहा था ना कि मुलाकात तो कभी भूलेगा नहीं। मैनेजर हूँ सर मैं, और मैं तेरा बॉस। चल तुम जल्दी से ये पूरी जगह साफ करके दिखा। पर दिल किया ना तो नौकरी पे रहने दूंगा तुझे। मैं करता हूँ सर, मैं करता हूँ। अच्छा कर सर। करूँ मैं सर। आ गए सर। सारा काम हो गया और सारी क्लोजिंग कर दी सर। क्लोजिंग करने के लिए किसने कहा? अभी 50 लोगों की रिजर्वेशन है। सर ऐसी तो कोई रिजर्वेशन नहीं थी सर। मैं कह रहा हूं ना रिजर्वेशन है। अकबर गरीब लोगों से बड़ी प्रॉब्लम है ना तुझे? सर अच्छे नहीं लगते। आइए चाचा, ये गफूर चाचा है। आज ये तुम्हारे मेहमान हैं। यू वैल्यूड कस्टमर। इनके और भी साथी हैं बाहर। ये सब लोग आज तुम्हारे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और तुम खुद सर्व करोगे इन्हें। शिकायत का मौका आया तो? सर आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस मेरी नौकरी से मुझे मत निकालिएगा। नौकरी तो तुम्हारी अब शुरू हुई है बेटा। देखो इन्होंने और इनके साथियों ने अगर तुम्हारी तारीफ की तो समझो तुम्हारी नौकरी बच गई, और अगर शिकायत की तो? सर आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। गुड बॉय चाचा, आप इनके साथ अंदर जाइए, बल्कि बाकियों को लेके आइए। चाहिए सर? सर चलूंगा मैं सर। अब वो वहां पे थोड़ा सा गंदा दिख रहा है मुझे, तो ये इधर आइए। हाँ आजो आजो, ले ले जल्दी जल्दी जी, गरम गरम ले जी, गरम गरम आ गए पराठे। इधर रखो, इधर इधर। हाँ ये मुझे दो, मुझे दो। तो आपके हाथ से तंदूरी पराठों को ना तो तरस गया था मैं। इसका मतलब है कि डाइटिंग वाइटिंग जो है उसकी सब उसको खैर बात कह दिया। जब दिन में मुश्किल से एक टाइम का खाना मिलेगा ना डैड, तो कौन सी डाइटिंग? मुंह देख ले जरा इसका, छोटा सा मुंह निकल आया। देखें तो सही, देखें जरा इसमें और हमारे माली बाबा में कोई फर्क नजर आता है आपको? ये आप मेरे साथ प्यार जता रही हैं या मेरी बैंड बजा रही हैं? बेटा सब बता रही हूँ,
सच बता रही हूँ। देखो सुनो, बस बहुत हो गया, बहुत टाइम लग गया। अमीन साहब, ये ऑर्डर है मेरा, आप इसे कहें कि वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के ये वापस आ जाए। मैंने आपको कहा ना, बस कुछ दिन और, मेरी गारंटी है। आप बस ये समझिए, हाथ ही निकल गया, धूम रहे लिए कुछ दिन, and I'll be back। अमित साहब, आप इसी तरह चुपचाप बैठे रहे, कोई बात ना करें। डैड इसमें क्या बोलेंगे? तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने ही भेजा था ना तुम्हें वहां, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने तुम्हें परदेश भेज दिया है, जहां ना कोई फोन कॉल हो सकती है ना किसी मैसेज का जवाब आता है। हाँ, और नहीं तो क्या, इससे अच्छा तो था पीएम में चला जाता, कोई फायदा तो होता। अरे बस कर दें, मैं समझ रहा हूँ आप लोग मुझे मिस कर रहे हैं, मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ, पर मैं कह रहा हूँ ना कुछ ही दिन और। वैसे भी आज बुटीक का लॉन्च है और उसके लिए कुछ बहुत बड़ा सोचा है। क्या? अभी नहीं, जब सही वक्त आएगा ना तब बताऊँ। अरे बहुत देर हो गई, वो नागिन निराली ना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई, मैं निकलता हूँ। बेटा नाश्ता तो ठीक से कर लो ना। अरे आप इसे पैक कर दें, मैं क्वार्टर में ना छुप के खा लूं। ओके डैड, आई हैव टू गो, बाय बाय। जो कह रहे हैं वो कर दीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। पैक करवा देना उसको, देर हो रही है। आपका भी करवा देती हूँ ना, आप भी साथ चले जाएं। हाय, बड़ी कमजोरी हो रही है, मैंने वीकनेस। कैसी तबीयत आपकी निराली जी? आए फड़ो मैनु। सोया प्लीज एक काम करोगी, मॉम के लिए सूप बना दो, आई गेस उन्हें बहुत वीकनेस हो गई। आए खिचड़ी, खिचड़ी बना दो, सूप नहीं अभी, दिल नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, खिचड़ी बना देती हूँ, मैं बस ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। ठीक है मॉम, अपना ख्याल रखिएगा। निराली जी, मैं बना देती हूँ आपके लिए खिचड़ी। नहीं सोया, तूने ऑफिस नहीं जाना? जाना तो है, पर कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ आपके लिए, 5 मिनट लगेंगे। अरे नहीं नहीं, तूने तो ऑफिस जाना है ना, देर हो जाएगी तुझे। तू ऐसे कर, मक्को है ना, वो बनाएगी मेरे लिए खिचड़ी, और शौकी को कह मेरे वो कपड़े इस्त्री करते। तू जा, तू दफ्तर जा, शाबाश जा। जी निराली जी, मैं कह दूंगी। हैं, मैं तेनू कितनी बारी मना किया है पर तू सुनती नहीं है। मैंने कितनी बारी किया है कि मैं निराली जी ना क्या कर। जी मैम। गुड गर्ल, उन जाओ, देर हो रही है।